दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कलयुग की पांच ऐसी बातें जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताई थी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये खास बातें। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों पौराणिक ग्रंथों में इन बातों का उल्लेख मिलता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि कलयुग का स्वरूप कैसा होगा। शिव पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि माता पार्वती जब शिव जी से अमरत्व का ज्ञान प्राप्त कर रही थी तो उनके प्राणनाथ ने उन्हें कलयुग के बारे में पांच बातें बताई। माता पार्वती भगवान शिव से ये पूछती हैं कि आखिर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप क्या है। भगवान शिव ने उनकी शंका मिटाते हुए उन्हें उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है सत्य बोलना और सत्य का साथ देना। मनुष्य यदि झूठ बोलता है अथवा झूठ का साथ देता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को उसके हर काम का साक्षी खुद ही होना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा। कई लोग कोई गलत काम करते समय मन में ये भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं होता, परंतु वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी खुद ही होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी, मन और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। संसार में मनुष्य को कोई ना कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय होती है या मनुष्य का उस पर और अत्यधिक लगाव हो जाता है। भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। मनुष्य को जिस किसी भी वस्तु आदि से लगाव होता प्रतीत हो रहा हो उस वस्तु के दोष तलाशना आरंभ कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये कुछ पल का लगाव हमारी सफलता में बाधा पैदा कर रहा है जो हमारी पूरी जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को उस वस्तु के मोह से दूर होता हुआ पाएगा और अपने कर्मों में सफल होने लगेगा। भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को समझाए गए इस ज्ञान में जीवन के समस्त दुखों के निवारण की बात की गई है। तो दोस्तों करना क्या है, इन सभी ज्ञानों को अपनाइए और आप अपना चरित्र और अपने आप को एक सफल व्यक्तित्व बनाइए। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।